केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में आज एक सकारात्मक पहल सामने आया और 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने प्रस्तावित 3 भूखंडों का निरीक्षण किया। लेकिन जैसा कि टीम को जानकारी मिली कि उन जगहों पर फ्लड का प्रकोप होता है, ऐसी परिस्थिति में टीम ने विकल्प के तौर पर विक्रमशिला एक्सकेवेशन साइट के पीछे मलकपुर गांव के निकट एक बैरन लैंड को भी देखा है, जो इन लोगों को काफ़ी पसंद आया। उसके अलावा इन लोगों ने बियाडा रामजानीपुर बफनगामा कासड़ी गांव के निकट जो बियाडा का 1000 एकड़ जमीन एक्वायर है, उस पोर्शन को भी इन लोगों ने देखा है। और इन लोगों को लगा कि मलकपुर गाँव के पास जो ज़मीन है वह ज़मीन अधिक सूटेबल होगा, क्योंकि वह खुदाई स्थल से सटे है और वहाँ फ्लड का कोई प्रकोप होने की संभावना नहीं है और कम उपजाऊ भूमि है, इसलिए उसको अधिग्रहित की जा सकती है। वैसे इन लोगों ने दूसरे प्रस्ताव के तौर पर बियाडा की अधिग्रहित जमीन को भी रखा है। मलकपुर गांव के निकट जो विक्रमशिला खुदाई स्थल से सटे हैं वह ज़मीन इन लोगों को काफ़ी पसंद आया। पहाड़ की तराई में वो ज़मीन है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है, तो वह ज़मीन टीम को पसंद आया, जैसा कि उन लोगों ने बातचीत के क्रम में बताया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, अनधिकृत तौर पर उन लोगों ने इसकी जानकारी दी है। और जो उससे लगभग उस ज़मीन से लगभग 1.5 किलोमीटर अलग हट करके रामजानीपुर बभनगामा और कासड़ी गांवों के निकट बियाडा की अधिग्रहित ज़मीन है, उस ज़मीन को भी देखा है। वह ज़मीन भी इन लोगों को पसंद आया है, जिसको सेकंड ऑप्शन के तौर पर ये लोग रखना चाहते हैं और उसके बाद अब सरकारी स्तर पर इसको पहल किया जाएगा, अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह एक सकारात्मक पहल है और विक्रमशिला क्षेत्रवासी इसको लेकर के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा फोटो। हेलो, इधर बहुत दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर से अधिक है। इधर है, इधर है, उधर है, उधर। मेरा फोन जो है ना, नहीं नहीं मेरा कहना ये था कि बहुत अच्छा फोटो। हेलो, क्या हो जाएगा दोनों।